देखिए कलायत से आज नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे थे और मेरा सौभाग्य है कि मनीष सिसोदिया जी खुद नॉमिनेशन कराने के लिए यहां पर आए। बहुत उससे एनर्जी मिली है, कलायत में कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत बढ़ा है और बहुत जबरदस्त स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं कलायत के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और कलायत जो पॉलिटिकल परिवारों के बीच में उलझ के रह गया पिछले 30 साल में, 3 पॉलिटिकल परिवारों के, उससे मुक्ति दिलाएंगे, उस शिकंजे से बाहर निकालेंगे कलायत को। यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज लेके आएंगे, बिजनेस लेके आएंगे, यहाँ के किसानों के लिए भी सुविधाएं लेके आएंगे, बिजली, स्कूल, अस्पताल के ऊपर काम करेंगे। जैसे कि जयप्रकाश यहाँ से रहे, विधायक भी रहे हैं, अभी सांसद हैं कांग्रेस पार्टी में, उनके बेटे ने निर्दलीय चुनाव का पर्चा भर दिया, तो किस तरीके से? देखिए ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये लोग टिकट के लिए लड़ रहे हैं, ये लोग पद के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग कलायत के लोगों की सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। ये फर्क है हमारे और इन लोगों में। हमारा मकसद है लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, अच्छा प्रशासन चलाना और विधानसभा के अंदर कलायत की बुलंद आवाज पहुंचे, ये हमारा मकसद है। ये लोग हर बार, पता नहीं कितनी बार विधायक बन चुके हैं, कोई काम नहीं कराया कलायत में, फिर भी पेटी नहीं भरता किसी भी चीज से। तो मुझे लगता है कि इनको आपस में लड़ने दीजिए, आइए हम जनता के मुद्दों के लिए लड़ते हैं। प्रचार में कौन-कौन से मंत्री वगैरह बहुत लोग आएंगे, अभी मनीष सिसोदिया जी आज आए थे, अरविंद केजरीवाल जी भी जैसे ही जेल से बाहर आएंगे वो तुरंत यहाँ पर प्रचार करने के लिए आएंगे, पंजाब के भी सारे मंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।